अगर आप मुंबई गए हैं तो आपने अपने आसपास काली पीली रंग की कारों की लंबी कतार जरूर देखी हो, जिसके ऊपर टैक्सी लिखा रहता है। जी हाँ, अब आपको बिल्कुल याद आ गया होगा कि यहाँ बात फीएट पद्मिनी कार की हो रही है। 1970 से 80 के दशक में कभी इसी कार से भारत की सड़कें गुलजार रहा करती थी और लोग देखते ही देखते इसे सड़कों की रानी का तमगा दे बैठे। अब जानना दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये कार हर भारतीय के दिल में बस गई। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं फिएट पद्मिनी कार का शानदार इतिहास। आज़ादी के बाद भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत दो नामों से हुई। पहला था हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, जिसकी चर्चित कार एम्बेसडर थी, और दूसरा प्रीमियर ऑटो लिमिटेड, जिसकी कार पद्मिनी थी। मज़ेदार बात यह है कि दोनों कारें विदेशी कारों की कॉपी थी। जहां एम्बेसडर मॉरिस ऑक्सफोर्ड थर्ड की कॉपी थी, तो वहीं पद्मिनी कार इटली के मार्बल फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल टोरेनो कंपनी की एक कार की कॉपी थी, जो भारत में प्रीमियर ऑटो ने साल 1964 में फिएट पद्मिनी 1100 डिलाइट के रूप में लॉन्च की। फिर क्या, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसने अगले चार दशक तक सभी के दिलों पर राज किया। वैसे देखा जाए तो पद्मिनी कुछ सालों पहले ही बन चुकी थी, जब फिएट 500 फिएट की पहली कार बनी। इसे सन 1951 से भारतीय बाजार में उतारने के लिए बनाया गया। फिर 1954 में एक कार आई, जिसे सभी लोग डकर कहा करते थे। असल में यह फिएट 1100-103 थी, जिसे बाद में विकसित करके फिएट पद्मिनी 1100D बनाया गया, और 1964 में भारतीय बाजार के लिए इसे फिएट के लाइसेंस के तहत बनाना शुरू किया गया। शुरुआत में लोग इसे केवल फिएट के रूप में जानते थे। समय बदला और इसे अपनी पहचान पद्मिनी के रूप में मिली। खास बात यह है कि इस कार में कार्बोरेटर 4 सिलेंडर वाला इंजन था। इसमें 40 BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर का इंजन था। खैर, इस कार की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अंदर से देखने और बैठने पर पद्मिनी काफ़ी आरामदायक थी। डैशबोर्ड के अधिकतर हिस्से पर मेटल की शीट हुआ करती थी, जो आजकल की कारों में नहीं होती। इतना ही नहीं, इस कार को ड्राइव करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि 1960 से 70 के दशक में रेसिंग ट्रैक पर कार दौड़ाना कितना मुश्किल होता होगा। इस कार को रेसिंग ट्रैक पर दौड़ाया गया। चेन्नई का शेलावरम और कोलकाता का CMSC रेस ट्रैक 60 के दशक में मशहूर ट्रैक था। हालांकि उस समय रेसिंग चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद फिएट ने दोनों ट्रैकों पर होने वाली रेसिंग में भाग लिया, जहां पद्मिनी का मुकाबला सिपानी डॉल्फिन, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और स्टैंडर्ड हेराल्ड से हुआ। फिएट अपनी मजबूती और खासियत से यहां भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही और लोगों के दिलों में इस कदर जगह बनाई कि आज भी लोग फिएट पद्मिनी की सवारी करना चाहते हैं। फिएट पद्मिनी अपनी खासियत से आम लोगों के बीच मशहूर तो थी ही, लेकिन इसकी चर्चा तब और तेजी से होने लगी जब ये कार फिल्मी दुनिया और देश के दिग्गज नेताओं की मनपसंद कार बन गई। सादगी और सरल जीवन व्यापन करने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, जब उनके पास कोई कार नहीं थी। उस समय मशहूर रही पद्मिनी की कीमत 12,000 रुपये थी, लेकिन शास्त्री जी के पास इसे खरीदने के लिए केवल 7,000 रुपये थे। ऐसे में उन्होंने कार के लिए लोन का आवेदन किया और फिएट खरीद ली। आज भी यह कार दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल संग्रहालय में रखी हुई है। वहीं बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मी दुनिया में एंट्री के बाद मेरे सिर्फ दो ही सपने थे, पहला एक फ्लैट का और दूसरा फिएट कार का। इसके अलावा कई और मशहूर फिल्मी सितारों जैसे रजनीकांत, मामूटी, आमिर खान ने भी अपने शुरुआती जीवन में प्रीमियर पद्मिनी कार खरीदी थी। समय बीतता गया और एक से बढ़कर एक कार भारतीय बाजार में आने लगी। इसका एक कारण और था, भारत ने 1991 में उदारीकरण अपनाया,
जिससे विदेश की कंपनियां भी अच्छी माइलेज और तेज भागने वाली कार भारतीय बाजार में उतारने लगी। इधर फीएट पद्मिनी कार भी मुकाबले में बने रहने के लिए बकेट सीट, गियरबॉक्स और इंजन बदलकर और बेहतर बनाने का प्रयास करती रही, लेकिन फीएट की मांग कम होने लगी। इसके बाद फीएट ने एक पेट्रोल और एक डीजल जैसी खूबियां भी इसमें जोड़ी, लेकिन यह कार की आखिरी कोशिश भी नाकाम साबित हुई और अंत में पद्मिनी कार को साल 1997 में बनाना बंद कर दिया गया। बावजूद इसके आज भी प्रीमियर पद्मिनी कार का क्रेज कम नहीं हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज भी सड़कों पर यह सरपट भागती नजर आती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई वर्षों तक इस कार का निर्माण मुंबई के कुंडला में होता रहा, वहीं इस कार में लगे उल्टी तरफ खुलने वाले दरवाजे भी आजकल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत की शानदार कार फीएट पद्मिनी का इतिहास। दोस्तों, इस कार से जुड़े अनुभव और इस कार के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।